हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बाय टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कौन से टॉपिक पे है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट्स इन माय बैग। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं जब ट्रेवल करती हूँ तो मैं अपने बैग में क्या क्या लेकर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बैग जिसमें मैंने अपनी ट्रैवल की सारी चीज़ें डाली हुई हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बैग में जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये जो बैग है वो है ज़ूक ब्रांड का। ज़ूक ब्रांड के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको बता दूँ कि ज़ूक जो है प्राउडली इंडियन ब्रांड है और इनके सारे के सारे बैग जो होते हैं हैंडक्राफ्टेड होते हैं, 100% वीगन लेदर से बना होता है। मतलब आर्टिफिशियल लेदर इसके अंदर यूज़ करते हैं, फिर भी देखो कितनी प्रीमियम क्वालिटी का ये लगता है। इससे पहले भी मेरे पास में बहुत सारे ज़ूक के बैग्स हैं जिनकी वीडियो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आप कहोगे तो मैं कार्ड्स में या फिर एंड स्क्रीन पे आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा इनका लुक जो है प्रीमियम और एलिगेंट लगता है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक के जो मतलब प्रीमियम जो एसेसरीज़ हैं वो यूज़ की जाती है। मेटल एसेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इनकी चेन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास में ये बैग है, इसके ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है टाइडल वेव्स का बना हुआ है, और भी बहुत सारे प्रिंट हैं जो आप उनकी ज़ूक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर दो जिपर कंपार्टमेंट दिए गए हैं। एक छोटा कंपार्टमेंट है, इसमें आप अपनी मनी वगैरह जो है डाल सकते हो जो कि ईजिली एक्सेसिबल होती है, और इसमें आप जो है मेन कंपार्टमेंट में अपना सारा सामान डाल सकते हो जो भी ले जाना चाहते हो। और इसका स्लिंग बैग भी ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, आप पूरे दिन इसको बहुत ही कंफर्टेबली जो है कैरी कर सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये जो बैग्स होते हैं ना ज़ूक के, इनके प्रिंट्स इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि आप चाहो तो इन्हें ट्रेडिशनल वेयर पर भी पहन सकते हो और वेस्टर्न वेयर पर भी पहन सकते हो, दोनों पर ही ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हो तो ज़ूक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको खरीद सकते हो, और मेरा कूपन कोड YTSONA10 यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उससे मिलेगा आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से जो है मैंने अपने चीज़ें रखी हुई हैं, ट्रैवल के टाइम पे मैं कौन कौन सी चीज़ें अपनी लेके जाती हूँ, तो वो मैं आपके साथ में शो करूँगी। साथ में ही आपको ये वापस भी डाल के दिखाऊँगी कि मैंने इसके अंदर ठूस ठूस के नहीं भरा है, बिल्कुल आसानी से मैंने इतनी सारी चीज़ें जो है इस बैग के अंदर कैरी कर ली हैं। तो चलो वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो है चार्जर। चार्जर मैंने इसके अंदर डाला है, ये मैं हर जगह लेके जाती हूँ और हर कोई लेके जाता है। और दूसरा जो है मैं हेडफोन है मेरे, जो कि मैं हमेशा लेकर जाती हूँ हर जगह, ताकि मैं मतलब अकेले ही अपने ट्रैवल अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकूँ, तो ये है। और थर्ड है मनी, या फिर आपका जो भी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए एक पाउच ही है मेरा, तो ये मैं डायरेक्टली अंदर रख देती हूँ। और कुछ पैसे जो है मैं बाहर के जिपर कंपार्टमेंट में भी रखती हूँ, तो जिससे मुझे जो है आसानी से पैसे निकालने में आसानी हो, और मेन जो है मैं ज़्यादा पैसे जो है इसके अंदर रखती हूँ। और उसके बाद मेरा फ़ोन और वेट वाइप्स जो कि ज़ूडियो के हैं, और ये हमेशा रखने चाहिए क्योंकि अभी जिस तरीके से आप देख ही रहे हो कि गर्मी है, पसीना आता है, पॉल्यूशन है, और डर्ट वगैरह जो है आपके चेहरे पर लग जाती है, तो आपको वेट वाइप्स एक रखने ही चाहिए। और अगर बार बार वेट वाइप्स कर रहे हो तो एक सनस्क्रीन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटू सा डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन है जो कि मैं हमेशा अपने पाउच में रखती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद में ना किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे को मॉइस्चराइज कर देता है। सनस्क्रीन भी है, SPF 50 के साथ में है, तो बहुत बढ़िया और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, छोटा सा है तो। और मैं रखती हूँ स्क्रंची एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर हम बाल खुले छोड़ के चले गए हैं, तो एक स्क्रंची मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। एक क्लचर, अगर स्क्रंची नहीं लगानी है जैसे क्लचर वगैरह लगाना है तो फिर मैं क्लचर भी अपने बैग में रखती हूँ। और लड़की का बैग है तो प्रॉपर आपको लिपस्टिक तो एक मिलने वाली है, तो मैंने रेनी का 5-in-1 वाला जो न्यूड शेड आए थे ना वो मैंने रखे हुए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से देखो मैंने इनको यूज़ किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे शेड हैं। पूरे दिन तो नहीं चलते हैं, बार बार अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने का एक फ़ायदा है कि लिप्स भी मॉइस्चराइज रहते हैं और शेड्स भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और मस्कारा, तो मैं ज़्यादातर आईलाइनर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मस्कारा मेनली यूज़ कर लेती हूँ, तो यही मैं रखती हूँ जो कि शुगर का है। और
रिनी का काजल है, काजल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन फिर भी मैंने एक रखा हुआ है, इसी को मैं आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ही इंटेंस काजल है ये, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। इसके साथ में ही गर्मी है तो एक परफ्यूम रखना तो बिल्कुल बनता है, रिनी का एक छोटा सा परफ्यूम है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, तो ये मैं रखती हूँ। और साथ में ही एक ही कॉम्ब है, वेगा का कॉम्ब है ये, साथ में इसमें मिरर भी है, कॉम्ब भी है, तो ये अगर आपके जो बाल हैं वो इजीली मैनेजेबल हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरीके से निकाल के आप जो है बालों पे कंघी कर सकते हो, कहीं पे बाहर जा रहे हो तो इतना बड़ा कंघा या फिर आपको जो है मिरर रखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो वेगा का ये 300 कुछ का आया था तब, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, भी मैं हमेशा रखती हूँ। और एक सैनिटरी पैड, ये हमेशा मैं अपने बैग में रखती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको मतलब ईजिली यूज़ कर सकती हूँ, और अगर मेरे काम नहीं आ रहा है तो अगर मेरे आसपास अगर किसी को ज़रूरत है तो इसलिए मैं हमेशा अपने बैग में इसको रखती ही रखती हूँ, किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे मेन जो है मैं वीडियोस बनाती हूँ तो एक ट्राईपॉड मेरे पास में हमेशा रहता है, और ये ट्राईपॉड बहुत ही ज़्यादा हैंडी है और अच्छा मेरे यूज़ होता है तो बहुत ही, और मेरे पर्स में भी आ जाता है तो इसलिए मुझे पसंद है, और ये मेरे बैग में हमेशा रहता है, तो ये है। और ये इतना सारा सामान जो आप देख रहे हो ना, ये सब मैंने अपने बैग में से निकाला है जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब इनको वापस भी मैं आपके सामने ही करती हूँ, मतलब कि सारा बैग में मैंने ठूसा नहीं था। और हाँ एक और चीज़ है जो कि मैं लेके जाती हूँ, पेन ड्राइव, तो हमेशा मेरे बैग में एक पेन ड्राइव रहती है क्योंकि मेरे फ़ोन में ना ये पेन ड्राइव जो है यूज़ हो जाती है, ये पेन ड्राइव लैपटॉप में भी लग जाती है और मेरे फ़ोन में भी लग जाती है, तो ये हमेशा मेरे पास में रहती है। इसमें मैंने अपने सारे सैंपल्स डाले हुए हैं, अगर क्लाइंट मुझसे सैंपल्स के लिए मांगता है तो मुझे अपने फ़ोन में बार बार मतलब सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ तो फ़ोन से शूट करती हूँ, फ़ोन में बहुत ज़्यादा जो है मेमरीज़ नहीं होती हैं, तो मेरे पास में सैंपल्स इसमें सारे सेव रहते हैं, जब भी किसी क्लाइंट ने सैंपल मांगा मैंने अपने फ़ोन में लगाया और तुरंत तुरंत जो है ये अपने मतलब सैंपल्स अपने क्लाइंट को दे दिए, तो इस तरीके से है। और ये मैं हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, तो ये मैं अपने अंदर वाली, इसमें बैग में छोटू सी जेब है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम इसमें रख सकते हैं छोटू से बैग में। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर सारा सामान जो है इसी के अंदर से निकाला है और कुछ भी ठूस ठूस के नहीं भरा है, आपको मैं शो करती हूँ। तो ये सब जो है इसके अंदर जाएगा, फ्रेंड्स देखो कितनी इजीली ये जो है चेन बंद हो रही है, तो मैंने इसके अंदर इतना सारा सामान डाला है तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पेशियस है मेरा बैग, और हम अच्छे से इसको ट्रैवल पे लेके जा सकते हैं अपने सब सामान के साथ में। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।